बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दावती नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ जी। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जी। ये है खोपरा पाक, आप इसे कोकोनट बर्फी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जूसी होती है और कलर इसका बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग होता है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पर मिल सके। मैंने ले ली है एक मोटे तले की कढ़ाई और उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूं 1 कप भर के दूध। मैं आपको कोई भी वेट में या एमएल में नहीं बताऊंगी, तमाम कप्स में ही बताऊंगी। और ये मेरा कप 250 एमएल का है और ये मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। आप परेशान मत होइएगा, मैं तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए लिख दूंगी। 3/4 कप मैंने ली है घर की नॉर्मल आम चीनी, ये इसके अंदर शामिल कर दी है और आंच को मीडियम पे ही रखा हुआ है और ये इसके अंदर पकती रहेगी यहां तक के डिजोल्व हो जाए। इस चीनी को अच्छी तरह से दूध के अंदर डिजोल्व करना है। 4 अदद इलायचियों के बीज ले लिए हैं, उन्हें पीस लिया है और इसके अंदर शामिल कर दिया ताकि बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ सके। और ये 1 पिंच मैंने लिया है सैफ्रॉन कलर, या आप इसके अंदर कोई भी फूड कलर पिंक अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप इसे व्हाइट भी रख सकते हैं, टोटल आपके ऊपर है, लेकिन कलर से बहुत टेम्पटिंग हो जाता है। अब इसके अंदर चीनी हो चुकी है, अच्छी तरह से घुल चुकी है और अब मैं इसे 1 मिनट मजीद पकाऊंगी। कोई 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना है। 1 मिनट इसलिए मैं डिजोल्व होने के बाद पकाऊंगी ताकि शीरे का फ्लेवर अच्छी तरह से निकल सके। 1 मिनट पकाने का बस सिर्फ यही एक मकसद है डिजोल्व होने के बाद। और अब ये मैं इसके अंदर डाल रही हूं 1 टीस्पून के करीब सैफ्रॉन एसेंस। ये आप मेरे पास वाटर है तो इसलिए मैं 1 टीस्पून डाल रही हूं। अगर आपके पास एसेंस होगा तो फिर आप 2 से 3 कतरे ही शामिल करेंगे, क्योंकि एसेंस बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है और स्ट्रांग होता है। मैंने शामिल किया है इसके अंदर ये डेसिकेटेड कोकोनट, और ये कोकोनट है तकरीबन मेरा 2 कप और 1/4 कप है, ठीक है। ये इसके अंदर शामिल कर दिया और अब मैं आंच को कर दूंगी मीडियम से बिल्कुल लो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये खोपरा जो है ये अच्छी तरह से दूध को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके और ये कढ़ाई में अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के अंदर सिक जाए, इसकी खुशबू रिलीज हो सके, ताकि इसकी सिकाई हो सके और इसके अंदर वो कच्चापन खत्म हो जाए। तो ये 3 से 4 मिनट के लिए करना है और बहुत ही धीमी आंच पर करना है। अब आप देख लीजिए दूध अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, एक्स्ट्रा तमाम मॉइस्चर एवेपोरेट हो चुका है और इस तरह से मैं मुसलसल इसे चम्मच की मदद से हिलाती जा रही थी। अब लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी। जी ये देसी घी इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू ऐड करेगा और ये ग्लॉस और शाइन इसके अंदर आ जाएगी और आपकी मिठाई बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगी। देसी घी ना हो तो आप 1 टेबलस्पून बटर डाल सकते हैं, बटर भी ना हो तो फिर आप इसके अंदर घर की आम वनस्पति घी यूज कर लीजिएगा, लेकिन देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब 1 मिनट के लिए मैंने इसको दोबारा घी के साथ आहिस्ता हल्की आंच पर पकाया और आप देखें अब ये कढ़ाई के तले को छोड़ रहा है, तो मतलब अब कम्प्लीटली पक चुकी है। और अब आंच को कर दूंगी मैं बंद और 1 अदद प्लेट ले लूंगी। कोई सांचा किसी चीज की भी जरूरत नहीं, आप इसी प्लेट में इसको अच्छी तरह से ग्रीस कीजिए ताकि जब हम इसे उठाए तो ये आराम से बर्फी उठ सके और बिल्कुल भी अपनी शेप खराब न करे। तो मैंने घी से इसे अच्छी तरह से कर लिया है ग्रीस और जितना भी अमेजा कोकोनट का है ये तमाम का तमाम गर्म गर्म हालत में मैं इस प्लेट के ऊपर डाल दूंगी। आपने ये तमाम प्रोसेस गर्म गर्म ही करना है ताकि ये अच्छी तरह से शेप पकड़ ले। और इस तरह से अब मैं इस रबर स्पैचुला की मदद से, किसी भी चीज की मुझे बाकी जरूरत नहीं, मैंने इसी रबर स्पैचुला की मदद से इसे एक अच्छा सा जबरदस्त स्क्वायर शेप मैंने इसे दे दिया था। अब आप देख लीजिए इसी तरह से आपने दबा दबा के इस तरह से स्क्वायर शेप इसकी बना लेनी है। अभी ये गर्म है, इसी वक्त मैं लूंगी चांदी के वर्क और इस तरह से 2 वर्क मैंने इसके ऊपर लगाए। ये टोटली ऑप्शनल है लेकिन लुक बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे आपको रहमत शीरी या रेमबो बेकरी पर मिलते हैं, बिल्कुल 100% वही लुक इसकी आएगी अगर आप इसके ऊपर ये चांदी के वर्क लगाएंगे। मैं अभी इसके ऊपर पिस्ते के थिन स्लाइसेस इस तरह से जैसे बेकरी में होते हैं वही इसके ऊपर लगा दूंगी और ये अभी गरम गरम ही है ताकि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक सके। और हाथ की मदद से इस तरह से करूंगी थोड़ा सा प्रेस ताकि ये
अच्छी तरह से फर्म हो जाए इसके ऊपर। और अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कोई फ्रिज वगैरह में रखने की आपको जरूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे भी अच्छी तरह से जम जाएगी। अब ये 2 से 3 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूं। अब मैं नाइफ की मदद से करूंगी इसकी कटिंग, और शेप आपको जो भी देनी हो, स्क्वेयर बनाने हो, ट्राइंगल बनाने हो, तो आप उस तरह से इसे अपनी शेप दे दीजिए। और ये देखिए कितनी आसानी से नाइफ की मदद से ये कट हो रहे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, जूसी है, और आपको ये बनाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा यमी होता है। तो अब मैं आपको इसे सर्व करके भी बताती हूं कि ये कैसा लगेगा। ये देखिए ये करीब से इसकी लुक मैं आपको दिखा रही हूं, ये किस कदर सॉफ्ट है। मैं जब इसे प्रेस कर रही हूं तो ये चूरा होकर गिर नहीं रहे, अपनी शेप रिटेन कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और जो घी से इसे ग्लॉस और शाइन मिली है वो इसे एक आउटस्टैंडिंग लुक दे रही है। ये कोई भी कपकेक लाइनर आपके पास हो उसके अंदर आप इसे रख दीजिए इस तरह से, तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगेंगे, बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये आपके लगेंगे। और होप करूंगी कि आपने अब तक लाइक के बटन पर प्रेस कर ही दिया होगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो होप करूंगी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हमारा साथ देंगे। तो इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज।